हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कंफर्म पासवर्ड वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से हमें लगानी है। कई बार क्या होता है कि कंफर्म पासवर्ड तो ऑब्वियसली बात है हर जगह होता है, जब आप क्या कहते हैं रजिस्टर बनाते हो तो पासवर्ड अनकन्फर्म पासवर्ड तो भेजना ही पड़ता है, तो उसको वैलिडेट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज मान लो कि पासवर्ड में आपने कुछ भर दिया और कन्फर्म पासवर्ड में कुछ भर दिया तो वैलिडेट नहीं होगा। तो उसको वैलिडेट करने के लिए मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लॉजिक सोचते हैं कि कंफर्म पासवर्ड वैलिडेट करेंगे कैसे, ऑब्वियसली बात है दोनों को दोनों जो हमारे वैल्यूज होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो वही चेक लगेगा कि दोनों की वैल्यूज सबसे पहले हम गेट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि अब किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करने के लिए या तो हम यूज़ करते हैं क्वेरी सिलेक्टर, या तो यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई है कि इस तरीके से किसी भी इनपुट बॉक्स की वैल्यूज को किस तरीके से गेट करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आपको किसी भी एलिमेंट किसी भी इनपुट की या टेक्स्ट की एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। अब जो दो वैल्यू आ जाएंगी दोनों वैल्यू को चेक करना है कि दोनों के दोनों स्ट्रिंग है या नंबर है, ठीक है, वो भी आप चेक लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको मैच करना है, तो मैच करने के लिए मैंने आपको बता रखा है इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग करनी है तो ट्रिपल इक्वल टू आप यूज करो ताकि टाइप भी दोनों के दोनों चेक हो जाए, ठीक है। तो वही किया है, अगर पासवर्ड ट्रिपल इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड हो जाता है तो पासवर्ड मैच है, नहीं तो पासवर्ड मैच ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उसके बाद हमने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपने एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है, फिर दोनों को ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर के साथ मैच करना है, उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंफर्म पासवर्ड वैलिडेशन आप कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सेव, रीलोड, मेरा पासवर्ड अगर मैंने ये डाल दिया कुछ भी डाल दिया तो आ गया पासवर्ड मैच, ठीक है, सेम थे। अब मैं यहां पर डालता हूं ये जो दूसरा है पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पासवर्ड अलग है ये वाला पासवर्ड अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड वैलिडेशन अपने कोड लेवल पे बना सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।